अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मैथ्स है क्लास 8 की, जिसका यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे इसका। इसके 6 क्वेश्चंस में सॉल्व करवा चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इन व्हाट टाइम। अब हम टाइम, हमसे टाइम पूछ रहा है, तो डेटा बना लेते हैं इसका, इसका डेटा बना लेते हैं एट वाई टाइम। तो टाइम हमसे पूछ रहा है, व्हाट ए सम ऑफ मनी विल डबल, जो जमा हो मनी वो डबल हो इट्स उसके खुद की एट 8% रेट हमें दे रहा है, कितना 8% दे रहा है आप किसी मार्कअप पर। तो यहाँ कुछ चीज़ें मिसिंग है, यानी टोटल अमाउंट मिस है और यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट मिस है। तो प्रिंसिपल अमाउंट पहले कर लेते हैं, प्रिंसिपल लेट प्रिंसिपल अमाउंट, लेट प्रिंसिपल अमाउंट हम ले लेते हैं एक्स करके, और मनी डबल हो रही है यानी ये 2p हो रहा है, यानी यहाँ हो जाएगा 2x, टोटल अमाउंट हो जाएगी 2x। अब हम इसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, तो इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है कि 2p में से हम माइनस कर लेते हैं, p माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ 2p का रेट क्या है, 2x है, एंड माइनस ये एक्स है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स, ठीक है। सारी कंडीशंस कंप्लीट हैं यहाँ पे, तो अब हमने इसका फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो फार्मूला है हमारे पास I=PRT, ठीक है। अब मालूम क्या करना है, मालूम हमने टी करना है, तो टी को इधर रखेंगे और PR मल्टीप्लाई जाके इंटरेस्ट से डिवाइड हो जाएंगे, यानी PR डिवाइड हो जाएगा इसके इंटरेस्ट से। तो = इंटरेस्ट जो है वो हमारा है x, एंड अपॉन यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है x, और रेट हमारे पास है 8%, तो इसको 8% को हम डिवाइड कर देंगे, तो ये 8/100 हो जाएगा। तो x कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचा ये 1, ऊपर 1 बचा, और तो ये डिवाइड की पोजीशन में, तो इसको ऐसे रख लेते हैं 8/100 कर लेते हैं। तो यहाँ देखें, डिवाइड को जब हटाते हैं हम, तो हमारे पास क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ टेबल लगाएंगे, 4 की टेबल लग रही है 2 times, और 4 की टेबल लग रही है 25 times, तो 125 हो जाएगा, 25/2, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास टाइम आ जाएगा, तो 2 की टेबल 1 time, और 2 की टेबल 5 पे 2 time, बाकी बच गया 1, तो 1 पे टेबल नहीं जा रही तो 5 दे दें, या 1/2 करके रख दें, इस तरह भी रख सकते हैं आप, और या इस तरह भी रख सकते हैं कि 12.5 ईयर्स, ये आपकी मर्जी है, यानी 12.5 साल जो है ना वो टाइम लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये था आज का क्वेश्चन, जो आज हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।